हेलो, यदि आपने सोचा है कि मुझे जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी ऑनलाइन क्लासेस से करनी है, तो आपके पास में इतने सारे ऑप्शन हो जाते हैं जितने आपके एग्ज़ाम में ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है। तो इन सारे ऑप्शंस को कैसे सेलेक्ट करना है और कौन सी कोचिंग आपको बहुत बेनिफिट हो दे सकती है, ये आपके लिए इस टाइम में काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। सो मैं आपको इसी वीडियो में यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भैया ये जो टेक्स्ट बुक का सुपर कोचिंग है, ये किस तरीके से एकदम से बेनिफिट कर रहा है स्टूडेंट्स को। पहले जो है इतना फेमस नहीं था, बट अब ऐसे क्या हो गया कि आपके स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर रहा है, क्यों दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसको देख करके अपनी प्राइसेस लोवेस्ट कर रहे हैं, ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए क्या होता है, आपके पास में दो तरीके के टीचर होते हैं, ठीक है। आपने जैसे ही कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू किया, तो आप क्या काम करते हैं, पहले यूट्यूब में जाएंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ लेंगे, परसेंटेज पढ़ लेंगे, उसके बाद में दो चार टीचर आपको बहुत पसंद आ जाते हैं, फिर आप फाइंड आउट करते हैं कि ये टीचर किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, फिर आप उनके एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और वहाँ से सब्सक्रिप्शन लेके आप उनसे पढ़ोगे। बट यूट्यूब में पढ़ाने वाला, बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला, ये ज़रूरी नहीं कि आपको सिलेक्शन कम से कम समय में दे सकें। सो भैया फिर सिलेक्शन कौन देगा? देखिए यूट्यूब के जो टीचर होते हैं 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होता है। अगर किसी का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छा टीचर माना जा सकता है, ठीक है। हालांकि समझाने का तरीका टीचर का बहुत अच्छा होना चाहिए डेफिनेटली, बट सारे टीचर जो हैं वो अच्छे हों, आपको प्रॉपर ट्रिक्स बता पाएँ, ये ज़रूरी नहीं है। तो भैया किसके पास जाएँ? देखिए क्या होता है, हमारे पास में जो है ये जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स है आज से नहीं चल रही, जब से यूट्यूब आया है जियो के फेमस होने से तब से ही नहीं चल रही। हमारे पास में जो है ये जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स है काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं। सो कुछ टीचर ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय से फेमस हैं और एक लमसम सिलेक्शन वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो उन टीचर की क्लासेस करने से क्या बेनिफिट होता है कि आपको समझाने का तरीका तो अच्छा मिलता ही है डेफिनेटली, सभी का अपने आप को समझाने का तरीका अभी अच्छा कर लिए तो वो मिलता ही है। आपको उनका तजुर्बा मिलता है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, ये प्रिडिक्शन जो मिलता है ना वही आपका सिलेक्शन आधा 50% डिपेंड मतलब करवा देता है, राइट। कि क्या आने वाला है इस बार, IBPS क्या पूछने वाला है, SSC क्या पूछने वाला है, UPSC क्या पूछने वाला है। सो ये तजुर्बे जो आपको कहाँ मिलेंगे, उन टीचर से मिलेंगे जो लमसम सिलेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब भैया उन टीचर की क्लासेस तो ऑनलाइन उतने अच्छे अवेलेबल है ही नहीं है, टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग में उन्हीं टीचर की क्लासेस आपको मिलती हैं।